हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग वाला पर जहां पर हम लोग एक बार फिर फिर से उपस्थित हुए हैं विज्ञान विषय के साथ में यानी कि आज आपका जो क्लास होने वाला है आ, साइंस की क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी जैसा कि मैंने पहले ही आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया है आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज एक बजे क्लास नहीं हुई थी रीजन ये था कि कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से एक बजे क्लास नहीं हो पाई लेकिन सारे जरूरी काम छोड़ करके दो बजे वाली क्लास हम लेने आए हुए हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे साइंस की क्लास का सीटेट की क्लास का बहुत दिनों से वेट कर रहे हो ठीक है तो एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके हाँ आज की क्लास में रहने क्या वाला है लेक्चर नंबर फोर है यानी कि जो आपकी एनसीआरटी प्लस पी की जो ये सीरीज चल रही है इसके पहले तीन क्लास हुई थी और ये क्लास जो कि आप बोल रहे हो कि डेली हमें क्लास चाहिए तो अब ये रेगुलर क्लास होने वाली है यानी कि मंडे ट्यूजडे में ये 21 दिसंबर है ना आज डेट कौन सी है 21 दिसंबर और एग्जाम आपका कब है एग्जाम है आपका 21 जनवरी तो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है ना बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है बहुत कम टाइम बचा हुआ है इसीलिए आपकी तैयारी को बस एक शुरुआत आज से हम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही साथ ही साथ वॉइस ब्रेक हो गई पता नहीं क्यों आज क्या रहने वाला है फिजिक्स फिजिक्स के जितने भी सीटेट के पी वाई क्यू है टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के सीटेट के पी वाई क्यू बिल्कुल आप पढ़ सकते हो चाहे अगर आप, आप एमपी टेट वाले हो बिहार वाले हो एस्टेट वाले हो क्योंकि ये सारा का सारा तुम्हारा एनसीआरटी पर बेस्ड ही क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं तो ये सारे के सारे सीटेट के पी वाई क्यू है लेकिन फिजिक्स क्योंकि आ, मैंने अपने एप्लीकेशन वाले बच्चों को बोला था कि सीरीज जो आपकी स्टार्ट होगी टॉपिक वाइज अब स्टार्ट होगी फिजिक्स करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे फिर बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे और फिर और आपको पता है साइंस में ही ईवीएस सेक्शन में भी जो आता है वो वाला पार्ट भी हम लोग कवर करने वाले हैं तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे थम्सअप करेंगे कि स्टार्ट कर दिया जाए सारे बच्चे थम्सअप करेंगे कि मैम स्टार्ट कर दिया जाए और अब हम लोग जो है पोल भी हम आपके बीच में ले आते हैं ताकि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो और कहाँ है बाकी बच्चे कहाँ गए सभी को इन्फॉर्म कर दिया है ना आपने कि हमारी क्लास जो है शुरू हो गई है साइंस की जिसका वेट हर जगह तो मैसेज करते रहते हो साइंस वाली मैराथन ले लो साइंस वाली क्लास करवा दो है ना तो बस इसी के लिए आज की क्लास का

पक्षमा भी पेशी पता नहीं वॉइस क्यों ब्रेक हो रही एक बार हम माइक बंद करके रख चलो अच्छा इसे बताओ इंग्लिश वाले बच्चे देख लो कॉर्निया क्या काम करती है आयरिस क्या काम करती है प्यूपिल क्या करती है रेटिना क्या करती है मसल्स क्या करती? अच्छा इसके अलावा पहले आंख में देख भी तो लो कौन सी चीज पर है ये देखो अगर आप ह्यूमन आई देखते हो हु, ह्यूमन आई देखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा सबसे आगे वाला पार्ट तुम्हारा कौन सा होता है ये होता है कॉर्निया कौन सा वाला भाग होता है कॉर्निया होता है कॉर्निया के अंदर जो आपका रंगीन भाग होता है है ना किसी की आंखें काली किसी की भूरी किसी की नीली तो ये तुम्हारा आयरिस वाला पार्ट होता है फिर उसी के बीच में तुम्हारा लेंस लगा हुआ होता है प्यूपिल होता है पीछे लेंस होता है और यहाँ पर तुम्हारी सिलेरी मसल्स होती हैं और हमारा इमेज कहाँ पर बनता है ये रेटिना पर जाकर के बनता है ठीक है ये रेटिना पर जा करके बनता है येलो स्पॉट यहीं पर पीछे की तरफ होता है अब इसे मैच कराऊ सारे बच्चे इसे मैच कराएंगे जल्दी से बहुत ही स्पीड में बहुत ही स्पीड में इसे मैच कराएंगे जवाब दो जनता जवाब चाहती है पहले प्रश्न का तुम्हारे पोल नहीं दिया ना अभी हमने क्या हो जाएगा कॉर्निया किस पे मदद करती है अगर हमारी आंख में लाइट प्रकाश जाता किसके थ्रू है लाइट इंटर्स आई थ्रू इट किसके थ्रू कॉर्निया के थ्रू जाता है किसके थ्रू कॉर्निया के थ्रू जाता है आयरिस क्या करती है जो हम जब वैसे बहुत ज्यादा लाइट आंख में पड़ती है तुम अपने आप से आंखों को सिकोड़ लेते हो किसकी वजह से आयरिस की वजह से कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आई प्यूपिल क्या कार्य करती है प्यूपिल प्यूपिल हमारी ठीक है है क्या कार्य करती एक मिनट ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्या लगाया मैंने कॉर्निया क्या काम करती है एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ हो गया कॉर्निया क्या काम करती है हेल्प्स इन फोकसिंग लाइट एंड प्रोटेक्ट्स आईज ठीक है प्यूपिल क्या कार्य करती है प्यूपिल और हमारी एक मिनट ये गड़बड़ कुछ लिखा हुआ है मसल्स क्या करती है रुको सिलेरी मसल्स जो है होल्ड्स द लेंस इन पोजीशन ठीक है जो ये करती है रेटिना क्या काम करती है रेटिना एक्ट एज स्क्रीन ऑफ फॉर द इमेज प्यूपिल क्या कार्य करती है प्यूपिल जो लाइट एंटर करती है इसी के थ्रू प्रकाश हमारी प्यूपिल के थ्रू जाता है ना यस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा एक बार इससे देख लो कॉर्निया क्या करती है इससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है सबसे पहले हमारे आंख के आगे कॉर्निया होता है ना कॉर्निया के थ्रू ही लाइट हमारी जाती है ठीक परितारिका क्या करती है परितारिका परितारिका जो है आ, लाइट जो एंटर करती, उसके एंटर करती है उसके प्यूपिल क्या करती है ऑप्शन मतलब का नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ठीक है फोर्थ और फिफ्थ जो है इंग्लिश वाला देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका इंग्लिश ने लिखा हुआ है ये वाला क्वेश्चन देखो संजना

ताकि और क्लास में मजा दे आएगा अच्छा जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे क्या हो जाएगा देखो इस क्वेश्चन में ना लिख रहे हैं ए वन रिपल्स बी वन ए वन और बी वन आपस में रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों का सेम साइज है ठीक है दोनों का जो पोल है ना वो सेम है या नॉर्थ नॉर्थ होंगे या साउथ साउथ होंगे ठीक है ए वन रिपल सी टू ए वन सी टू को रिपल करता है यानी ये दोनों सेम है यही वाला पोल इसका भी है अगर बोल रहा है C1 इज नॉर्थ पोल C1 का नॉर्थ पोल है यानी सी टू का साउथ होगा सी टू का साउथ है तो बी वन का साउथ होगा बी वन का साउथ है तो ए वन का साउथ होगा ठीक है

टू इज साउथ पोल गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन डी वाला बता रहे हो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगा ठीक है बी वन इज नॉर्थ पोल गलत बी वन एंड एवन नॉर्थ पोल गलत बी वन एंड एवन साउथ पोल डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये देखो जबरदस्त क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से टफ लग रहे होंगे बट कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टीन थोड़ा सा मोहर बड़ा कर देते हैं इसको ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे इट इज ऑब्जर्व दैट वेन करेंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके थ्रू जब हमारा करंट पास होता है इट्स फिलामेंट गेट्स हीटेड इसका फिलामेंट हीट कर जाता है बट द वायर कैरिंग कंडक्ट डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर दिस क्या रीजन होता है अच्छा पोल मैंने दिया नहीं ना चलो जल्दी से आंसर करो ये सारे के सारे ना सीटेड के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए आप ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट है या फिर इम्पोर्टेंट नहीं है सारे बच्चे जवाब देंगे यह देखा जाता है कि जब बिजली के बल्ब में विद्युत धारा गुजरती है तब उसका तंतु गर्म हो जाता है लेकिन विद्युत बाइक तार नहीं चमकता अंदर वाला चमक रहा है इसका क्या रीजन है तार की प्रतिरोधकता तंतु से अधिक है प्रतिरोधकता तंतु से जो इसका फिलामेंट है प्रतिदीप्तशील पदार्थ का बना है लेकिन तार इसका नहीं बना हुआ है तार का गलनांक तंतु की अपेक्षा अधिक है बताएंगे क्या ऑप्शन हो जाएगा वॉइस ब्रेक हो रही पता नहीं क्यों हो रही है डी ऑप्शन तार नहीं चमकता है, इसका क्या कारण हो सकता है तार नहीं चमकता है इसका क्या कारण हो सकता है सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हो सोच समझ के ना क्यों चीटिंग करके बता रहे हो सारे बच्चे सोच समझ के बताओ ना कुछ भी मत बताओ क्या होगा डी होगा या बी होगा होगा या बी होगा अब देखो चेंज कितनी आसानी से चेंज कर रहे हैं कितनी आसानी से चेंज कर रहे हैं जो करंट ले जा रहा है वो नहीं चमकता है अंदर वाला चमकने लगता है क्यों क्योंकि वायर हैज लेसर रेजिस्टेंस देन द दे फिलामेंट तार के पास में प्रतिरोधकता कम होती है उसको रोकने की फिलामेंट से जिसकी वजह से फिलामेंट चमकता है लेकिन तार नहीं चमकता है ठीक है तार नहीं चमकता ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है क्लास एट में ही है चैप्टर ये वाला ठीक है ऑप्शन नंबर भी कितनी जल्दी पलट गए तुम कितनी जल्दी पलट गए हो सेवेंटीन परसेंट बच्चे लक्ष्य मानसी शायमा ज्योत्सना पुष्पा और सतेंद्र का आंसर बिल्कुल सही है ये हमारे लीडर बोर्ड महोदय ने पकड़ लिया है नहीं तो बाकी बच्चे गड़बड़ बता रहे हो ये आप लोग ये सोचते हो ना फिजिक्स का क्वेश्चन इजी है देखो ये सारे के सारे पीवाई क्यू ही हैं है, फिजिक्स के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट रिगार्डिंग साउंड ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं लिखा गया है ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं लिखा बहुत बढ़िया पूजा हो सकता है आपका आंसर आपने बाद में दिया हो किसी वायलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगों की सदैव एक समान उच्चता होती है गर्म वायु में ध्वनि की गति कमरे के तापमान पर उसकी गति की अपेक्षा अधिक होगी ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व से प्रभावित होती है सारे बच्चे जवाब देंगे जनता जवाब चाहती है पोल दे दे पिछली बार तो पोल में तब बेकार आंसर दियो क्या पोल दे दे बताएंगे क्या हो जाएगा कौन सा सही नहीं है ध्वनि के संबंध में वायलिन और बांसुरी एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चलती है समान तीव्रता की दो ध्वनि तरंगें सदैव एक समान उच्चता होगी टू साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस ऐसा कब से होने लगा ऐसा कब से होने लगा भाई बढ़ता है तो ध्वनि की स्पीड भी बढ़ती है यह तो बिल्कुल करेक्ट लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाई डेंसिटी ऑफ मीडियम वहां की माध्यम की घनता पर यह सारा कुछ साउंड चैप्टर में पढ़ाया गया है कि ध्वनि पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है किसका प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन घनत्व का प्रभाव पड़ता है ये भी ठीक लिखा है ये भी ठीक लिखा है ये भी ठीक लिखा, लिखा है कि किसी वॉयलिन और बांसुरी को एक साथ बजाने पर उत्पन्न ध्वनि एक समान चाल से चलती है ये भी ठीक है बट ऑप्शन नंबर जब बी पढ़ते हो टू साउंड वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी विल ऑलवेज हैव इक्वल लाउडनेस बाय इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है ठीक है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट नहीं लिखा गया है क्वेश्चन हार्ड है ना वो लग रहा है हार्ड है क्योंकि ना सिर्फ ये बीच बीच में क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग ध्यान नहीं देते हो सोचते हो हाँ हाँ पेपर तो मेरे 30 में से तो 28 तो सही हैं आप लोग पता है क्या होता है तीस में अगर मान लो बाईस नंबर भी पा जाते हो ना तुमको लगता है मेरी तैयारी अच्छी है आठ ही तो गलत हुए लेकिन तुमको पता है वो आठ गलत कौन से होते हैं वो आठ यही वाले गलत हो जाते हैं जिन पर आप ध्यान नहीं देते हो इस वजह से हम इनको अलग से निकाल के लाए हैं टाइम है ना कमियों पर ताकि काम किया जाए बस ये रीजन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का

बिल्कुल सही क्वेश्चन चलो जल्दी से बताएंगे इस वाले प्रश्न का जवाब इस क्वेश्चन का जवाब देंगे यदि यह मान लिया जाए प्रत्येक केस में एक सेल एक बल्ब समान है भाई एक एक सेल लगा हुआ एक बल्ब लगा हुआ है तो निम्न में से किस सरल श्रेणी क्रम परिपथ में बल्ब ज्यादा तेज जलेगा जब एक बल्ब और एक सेल हो एक बल्ब और दो सेल लगे हो दो बल्ब और एक सेल लगा हो दो बल्ब और दो सेल लगे हो आपको पता है ये इसको कह देते हैं सेल और सेल मिला करके ये बन जाती है बैटरी सेल को मिला दो तो बैटरी बन जाती है है ना तो तेजी से कब जलेगा तेजी से कब जलेगा जब दो-दो सेल दे दो दो-दो सेल एक बल्ब में लगा देते हो तो ये सबसे तेजी से जलेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो ये बल्ब जो है बल्ब जो है अभी तो एक सेल लगा हुआ है दो सेल लगा देते हो तो यह और तेजी से जलता है ठीक है हलवा क्वेश्चन बहुत बढ़िया विवेक अगर आपको हलवा लग रहा है तो बढ़िया जल्दी से खा जाइए जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशता किस भाग पर चिपकता है मैराथन भी होगी सारी चीजें होंगी और फटाक से बता दो इस क्वेश्चन का भाई एक तुम्हारे पास में मान लो एक तब दे दिया गया है और उसमें बहुत सारा तुम्हारा क्या है ओ, लोहे का बुरादा रखा हुआ है इसी में आप एक एक छड़ चुंबक रखते हो जिसमें नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, है? है, है। बताओगे लोहे का बुरादा सबसे ज्यादा भाई सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो उसके साइड में होता है ना सबसे ज्यादा चुंबकत्व उसके साइड में होता है ना क्या हो जाएगा आंसर अधिकांशता दोनों किनारों पर अधिकांशता मध्य में केवल मध्य में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है चुंबकत्व देखने को मिलता है इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा ठीक है कौन सा डी वाला आंसर बिल्कुल सही जितने बच्चे डी दे रहे हो ना सभी के लिए क्लैपिंग ठीक है बहुत अच्छे अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट शेडो फॉर्मेशन एक प्रश्न यहां से भी बनता है यहां से भी बनता है जिसको ध्यान नहीं देते हो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है आवाज कैसे नहीं आ रही चिल्ला रहे इतनी तेज से आवाज कैसे नहीं पहुंच रही कौन सा कथन नहीं है शैडो फॉर्मेशन में छाया कैसे बनती है पता नहीं क्यों नहीं बन रही चलो अ येलो ऑब्जेक्ट कास्ट अ ब्लैक शैडो पीली बिंब जो है काली छाया बनाती है शैडो कैन बी फॉर्मड बाय एक मिनट रुको माइक चेंज करते हैं रुकना तब तो क्वेश्चन पढ़ो माइक चेंज करते हैं रुको 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 वेट विषय में कौन सा सही नहीं है पीला बिंब काली छाया उत्पन्न करता है ये तो बिल्कुल सही है येलो ऑब्जेक्ट जो है काला काला शेडो बनता ही है ठीक है शेडो कैन बी फॉर्म्ड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट ओनली अपारदर्शी बिंबो द्वारा छाया उत्पन्न करी जाती है ठीक है कौन सा सत्य नहीं है छाया की लंबाई हमेशा बिंब की लंबाई के समान होती है कभी बड़ी होती कभी छोटी होती वो तो डिपेंड करता है ना आप कहां पर हो प्रकाश कितना ज्यादा आ रहा है किधर से पड़ रहा है इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेंथ ऑफ शेडो इज ऑलवेज सेम एज लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ़ ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट नहीं लिखा गया है बाकी सारे ऑप्शन सही है द शेप ऑफ शेडो डिपेंड्स ऑन दी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट छाया का आकार बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा ये जो है उसके सोर्स के बिंब के बीच की जो तुम्हारा इमेज बन रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है इस पर डिपेंड करता है छाया का कार, ना कि हमेशा ही बराबर बराबर होंगे ऑप्शन नंबर सी इन क्वेश्चन को ध्यान से करना नहीं तो आप गलत कर दोगे एक मिनट लगता है गलत करने में सीखने में पूरी जमाने लग जाते हैं है ना पूरा महीने भर से पढ़ रहे हो ठीक है ऐसे कैसे हो रहा है भाई क्लियर दिख है कि नहीं दिख रहा है ये बताएंगे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है चलो बताओ इसको इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो ये भी आता है तुम्हारे पेपर में ये भी आता है द्रव ए बी सी जल में आमिश्रणी है पानी में मिलते नहीं है ठीक है जिनके द्रव्यमान तथा आयतन दिए गए एक लिक्विड ए है जिसका मास मास दिया गया फाइव एक ऑब्जेक्ट है 5.4 मास है वॉल्यूम फाइव है आप बताओगे यदि जल का घनत्व एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो कौन सा कथन सही लिखा गया है कौन सा कथन सही लिखा गया दिख रहा है वही तो अब तो माइक भी चेंज कर दिए स्क्रीन भी दिख रही होगी अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ए बी सी जल में आ मिश्रणीय है जिनके द्रव्यमान व आयतन दिए गए हैं ठीक है ठेके? अब बताओ देखो होता क्या है मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है मास अपॉन में वॉल्यूम यही तो होता है यही तो होता है तो पहले डी ए का मतलब ए वाले की डेंसिटी निकाल लो कितना होगा फाइव पॉइंट फोर बाई में फाइव ठीक है कितना आ जाएगा बी वाले का निकाल लो फोर पॉइंट सिक्स बाई में फिफ्टी ठीक है सी वाले का निकाल लो डेंसिटी वन थर्टी बाई हंड्रेड सब निकाल लो अब बताओ जल का घनत्व दिया गया इतना अगर जल के घनत्व से कम आएगा कम आएगा तो तो तैर रहा होगा नहीं तो डूब जाएगा है ना नहीं तो क्या होगा नहीं तो वो डूब जाएगा है ना जो एक से जिसकी डेंसिटी एक से कम होगी वो तो तैरेगी अदरवाइज सब डूब जाएंगी ठीक है तो इसमें क्या हो पांच कम पांच पानो अठे चालीस डिवाइड करो सबको ठीक है इसको डिवाइड करो कितना जीरो पॉइंट समथिंग आएगा इसमें क्योंकि पचास भाग्य चार पॉइंट जीरो नाइन और इसमें तो सीधा सीधा वन पॉइंट थ्री यानी डेंसिटी बी की बी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से इसका मतलब बी वाला पानी में तैरेगा बहुत बढ़िया सोनम सिंह बी फ्लोट्स इन वॉटर ठीक है लिक्विड बी विल फ्लोट इन वॉटर द्रव बी जल में तैरेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा किसका किसका बन गया है? ये बताओ क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और अभी देखोगे दो तीन इस तरीके के आए हुए हैं ये सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन देखते हैं अ लाइटर एंड अ अवियर ऑब्जेक्ट सेम का एनर्जी विच ऑफ दिल बी ट्रू रिगार्डिंग दियर वेलॉसिटी उनकी वेलॉसिटी के बारे में ठीक है किसी हल्की और भारी वस्तु की गति झुर्जा एक बराबर है कानेटिक एनर्जी जानते हो ना का एनर्जी वन बाई टू एम वी स्क्वायर है ना हल्की और भारी वस्तु की गति झुर्जा एक बराबर है उनके वेग के संबंध में कौन सा कथन सही लिखा गया है वेग के बारे में कौन सा सही दोबारा से एक बार से सुन लेना आ जाएगा ठीक है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक है दोनों का एक समान वेग है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है वेग की तुलना ही नहीं करी जा सकती है वेग की तुलना ही नहीं करी जा सकती है बताओ बताओ जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का बताओ किसी हल्की और भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा एक बराबर लि है उनके वेग के संबंध में कौन सा कथन सही लिखा गया है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से अधिक है चलो चलो ठीक है स्लो स्लो करो सी वाला ऑप्शन भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम है हल्की वस्तु भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर है मतलब रूई को फेंको और चाहे लोहा को फेंको काइनेटिक एनर्जी सेम होगी फेक रहे होगी तो उनके वेग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भारी वस्तु का वेग हल्की वस्तु के वेग से कम होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। लेस देन लाइटर बिल्कुल सही बिल्कुल सही सारे बच्चे सी बोल रहे हो सारे बच्चे दोनों का वेग समान नहीं होगा वेलोसिटी सेम नहीं होगी भाई दोनों का वेग समान नहीं होगा गतिज ऊर्जा बराबर उसके बारे में बात कर रहा है ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा वेग तुम्हारा समान है सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा अगला वाला देखो अगला वाला देखो अगला क्या कह रहा है विच ऑफ दटीरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ फ्यूज वायर फ्यूज वायर बताएंगे फ्यूज वायर किसका बना होता है फ्यूज वायर फ्यूज वायर आप जानते हो ना एक प्रकार का एलोय होता है फ्यूज वायर क्या होता है एक प्रकार का एलोय होता है अच्छा ठीक है सुनो सुनो एलॉय होता है ना फ्यूज वायर एक तरीके का बना हुआ होता है ये सीसा और टिन का बना हुआ होता है ठीक है फ्यूज वायर किसका बना हुआ होता है ये सीसा और टिन का बना हुआ होता है ठीक है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ फ्यूज का तार बनने के लिए सबसे उपयुक्त बताएंगे जैसे मान लो एक एक्स मटेरियल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है रजिस्टिविटी लो है वाई कोई मटेरियल है मेल्टिंग पॉइंट हाई है रजिस्टिविटी हाई है जेड आप किसको बनाना चाहोगे आपको पता है फ्यूज वायर के लिए क्या होना चाहिए इसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है इसका रजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए बता जल्दी से इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है फ्यूज वायर है ना एक तरीके का सेफ्टी वायर होता है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दो, दो थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है फ्यूज वायर तुरंत से गल करके सर्किट ओपन कर देता है करता है कि नहीं करता ये बताओ जल्दी से और अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है तो वो होती है टंगस्टन की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है वो होती है टंगस्टन की। टंगस्टन की को किससे डिनोट करते हैं तो उसको W से डिनोट करते हैं तो फ्यूज वायर अगर आप बनाना चाहते हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए बहुत बढ़िया जेड हो जाएगा जेड का आप जो है क्या बनाओगे फ्यूज वायर बनाओगे जेड का फ्यूज वायर बनाओगे ठीक है सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक चुंबक को विचुंबकित करने का सुझाव देने के लिए कहा कुछ उत्तर इस प्रकार से चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ चुंबक के दो टुकड़े कर दो चुंबक का चुंबक का चुंबक को कई बार जमीन पर गिराओ चुंबक के दो टुकड़े कर दो चुंबक को गर्म करो चुंबक को जल में फेंक दो चुंबक को हथौड़े से पीटो सही वाला बताएंगे क्या हो जाएगा इंग्लिश वाला ये लो इंग्लिश वाला देखो अ टीचर आस स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मैथड टू डी मैग्नेटाइज अग्नेट मतलब वही है ना किसी चुंबक का चुंबक तो खत्म करना चाहते हो क्या करोगे वैसे पता है ना उसको पीट दो ऊंचाई से फेंक दो तो भी तो खत्म हो जाता है ना करेक्ट आंसर कौन सा होगा कई बार जमीन पर गिराओ तो भी खत्म हो जाएगा ठीक है दो टुकड़े कर दो कभी भी चुंबकत्व तो खत्म नहीं होता है तो ये वाला तो सही है गर्म करने पर भी उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है जल में फेंकने से भी कुछ नहीं होता है हथौड़े में भी पेटने से हो जाता है तो आपका ए सी और ई ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अगला क्या कहता है

लेकिन जब आप की में डुबोते हो तो यह एक डाइवर्जेंट की तरह करता है। ए वाला हो देखेंगे ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता की दो विभिन्न ध्वनियों के बीच विभेदन किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन ऐसा बिहार में इस बार आया था ऐसा प्रश्न इस बार बिहार में एक आया हुआ था कि प्रकाश किरण के लेकिन वो मुड़ने से आया था वो लाइट से रिलेटेड था ध्वनि का वह अभिलक्षण कौन सा है जिसके कारण फ्रीक्वेंसी से तारत्व समान हो तीव्रता भी समान हो दो ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं इंटेंसिटी क्वालिटी एक क्वेश्चन वैसा नहीं करते हो कि एक बांसुरी बज रही होती है हो और एक तुम्हारा और क्या बज रहा होता है एक बासुरी बजती है और वायलिन बजता है उनके बीच में अंतर कैसे करते हो उनकी गुणता को देख करके है ना उसके आयाम को देख करके गुणता को देख करके आप जो है अंतर कर सकते हो तो दो ऑब्जेक्ट जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों में अंतर करना चाहते हो तो उनकी गुणता को देखोगे ठीक है बी वाला जितने बोल रहे हो बिल्कुल सही है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट गलत कथन कौन सा है बताएंगे क्वेश्चन कैसे लगे आज के क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से जल्दी जल्दी बताएंगे अभी बन रहे हैं क्वेश्चन की नहीं अरे भाई अब मंडे को भी होगी दिनेश अभी ये क्लास आपकी डेली होगी ठीक है डेली क्लास होगी तो अभी मंडे को भी आपको क्लास मिलेगी बाकी क्लास में फिजिक्स के ही मतलब क्वेश्चन मैंने रखे आज ये क्वेश्चन कैसे लगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा कौन सा वाला कथन सही नहीं है ये वाला ऐसा सेम क्वेश्चन अभी बिहार के एग्जाम में आया और मैंने कई बार बताया कि यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है हमेशा तीन पेपर मैंने करवाए थे उसमें भी यही क्वेश्चन आया था ठीक है रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन जल्दी बताएंगे तीन तरीके के फ्रिक्शनल फोर्स कितने होते हैं static, rolling, बताएंगे कौन सा सही नहीं है सबसे ज्यादा किसमें होता है स्टैटिक स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर किसमें होता है स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर किसमें होता है रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ये तीन होते हैं जिनमें घर्षण आप देखते हो अब आप बताओ कौन सा सही नहीं है रोलिंग सारा ही तो इरेज हो गया स, कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग ग्रेटर देन स्लाइडिंग ये तो एकदम गलत लिखा हुआ है अच्छा गलत ही तो पूछ रहा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग इज लेस देन स्टैटिक ये बिल्कुल सही लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक इज ग्रेटर देन रोलिंग ये भी बिल्कुल करेक्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग ग्रेटर है रोलिंग से ये भी करेक्ट है यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा जो कि करेक्ट नहीं है जो कि करेक्ट नहीं बिल्कुल ए को हमने लॉक कर दिया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके पेपर में आ चुका है आप लोग कर भी चुके हो वेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट है जो कि न्यूट्रल है आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर दे देर दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ में रगड़ी जाती हैं दो ऑब्जेक्ट है हाँ भैया इंग्लिश वाला चलो बाद में तुम तो देख लेना इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी साइंस बाई सारिका मैम टेलीग्राम पर ठीक है और कल वाली पीडीएफ जो मोशन वाली थी मैंने कल रात में भेजी ठीक है तो वो भी मैंने भेज दी अब कोई ये नहीं बोलेगा पीडीएफ नहीं मिली दो उदासीन वस्तुएं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं यानी समान के सजातीय या like जल्दी बताओ। अरे दो बजे दो बजे लाइव क्लास होती है डेली और सब बोल रहे थे ना साइंस की डेली चाहिए तो इसलिए दो बजे अभी डेली साइंस की क्लास होगी आज फिजिक्स लेकर के आए हैं करीबन नाइन्टी क्वेश्चन है मेरे पास में 90 क्वेश्चन फिजिक्स का है लेकिन पॉसिबल नहीं है ना कि एक घंटे में 90 क्वेश्चन हो पाए तो इसी सीरीज को कल कंटिन्यू करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू तुम्हारे सीटेट के हो जाएंगे हाँ लो भैया पोल ले लो ये तो पुराने वाले हैं यही ने पढ़ाई रहना तो चलता वलता है नहीं वैसे भी चलो इसे बताओ ए ऑप्शन बिल्कुल सही अगर दो ऑब्जेक्ट जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है आपस में रगड़ते हो तो उनमें क्या हो जाएगा समान परिमाण के विजातीय आवेश आ जाते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ठीक है ए वाला ऑप्शन पलक मिश्रा बबीता जय मिश्रा पूजा पांडे स्माइल मोहिनी सिद्धि जूही सभी का सही है आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है एक ये वाला क्वेश्चन ठीक है फोर्स एंड प्रेशर ये वाला चैप्टर है आपका उससे ये वाला क्वेश्चन है ठीक है वो ये इससे ये वाला क्वेश्चन है बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान होता है आपको पता है ना पतली पतली पट्टी होती है तो हमें ज्यादा फोर्स लगेगा है ना प्रेशर ज्यादा लगेगा लेकिन चौड़ी पट्टियां होती बैग में देखो ना चौड़े पट्टे बनाए जाते हैं क्यों उनको लेना आसान होता है क्योंकि द फोर्स एक्सटेड बाई द बैग इंक्रीजेस बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल बढ़ जाता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द बैग इंक्रीजेस बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब बढ़ जाता है द फोर्स दैग डिक्रीजेस बैग द्वारा लगाया जाने वाला बल घट जाता है में, ठीक है क्या होगा एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा एरिया कम होगा प्रेशर बढ़ेगा बस वही लगा दो डी ऑप्शन बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है चौड़ी पट्टी वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को उठाकर ले जाना अधिक आसान होता है क्योंकि बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल सही अच्छा बीच में सी भी बता रहे हैं सी किस लॉजिक से बता रहे हो सी कौन सा दिमाग लगाया है सी को सी अपना दिमाग लगाने वाले बताएंगे चलो अगला क्वेश्चन एक ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके पहले जो क्लास हुई थी उस पर मैंने आपको बताया भी था थर्मामीटर से रिलेटेड था ठीक है एलिशा बुखार से पीड़ित है उसकी सहेली से उसका ताप रोग तापमान में मतलब थर्मामीटर से देखा गया और उसने पाया कि उसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेंटीग्रेड का था दाई और दो भाग अधिक है आपको याद होगा दो के बीच में पांच छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं दो के बीच में पांच छोटे छोटे खाने बने होते हैं ये देखो लिखा भी हुआ है दो बड़ी रेखाओं के बीच में पांच भाग होते हैं अब उसका टेम्परेचर बता दो पहले बच्चे तुरंत एक सौ एक दशमलव दो क्योंकि दो अंक आगे है है ना अभी लेकिन सब समझदार हो गए हो पांच का मतलब है पांच भाग बराबर एक पूरा बड़ा वाला तो एक बराबर जीरो पॉइंट टू और क्योंकि दई और दो भाग हैं तो दो भाग का मतलब होता है जीरो पॉइंट टू इंटू टू यानी क्या हो जाएगा डिग्री टेम्परेचर कितना होगा एक सौ एक दशमलव अब नहीं भूलोगे ना समा हाँ अब भूलना भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन आ जाना तो एकदम से लगा देना अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो अभी 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 जो परसों की क्लास हुई थी हम लोग शाम को सवा चार बजे जो हमारी क्लास होती है उस पर एक दिखाई थी इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा पूरा में बढ़िया सा फिगर बना हुआ है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जब भी जो एक तरीके से कह सकते हो बादल गरजते हैं तो क्या नहीं करना चाहिए तार वाले फोन से बातचीत करना जमीन पर उड़कू बैठना मोबाइल का उपयोग करना छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए बहुत बढ़िया छोटे पेड़ के नीचे शरण ले लो भाई मोबाइल का उपयोग कर लो जमीन पर उडकू हो करके बैठ जाओ लेकिन तार वाले फोन से बातचीत ना करो है ना क्या नहीं करना चाहिए तार वाले फोन से बातचीत ना करो नहीं तो चिपक जाओगे उसी में है ना तार वाले फोन से बातचीत नहीं करनी चाहिए वरना उसी में चपक जाओगे एक ये वाला मुफ्त का क्वेश्चन जिसको कहते हो है ना सब्जी के साथ धनिया फ्री साउंड वेव्स विल नॉट बी एबल टू ऑफ द फॉलोइंग ध्वनि तरंगे किसमें नहीं गति कर पाएंगी ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं करती हैं लकड़ी के स्केल में धातु के तार में लकड़ी के धागे से या फिर निर्वात में बताएंगे जल्दी से ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं करती हैं आपको पता है वैक्यूम साउंड को चलने के लिए चाहिए कौन मीडियम और वैक्यूम में कौन सा मीडियम होता है कोई मीडियम नहीं होता है इसलिए ध्वनि तरंगे किसमें गति नहीं कर पाएंगी वैक्यूम में गति नहीं कर पाएंगी सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड किसमें सॉलिड में फिर किसमें लिक्विड में फिर किसमें गैस में लेकिन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगी चलो अच्छा एक और क्वेश्चन बढ़िया सा एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस बलों पर विचार करिए बल कौन सा बल है और बताना है द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल का एग्जाम्पल असंपर्क बल आपके एनसीआरटी में तीन तीन इमेजेस कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों की दी गई है है ना कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट दोनों की बताना है मस्कुलर मैग्नेटिक फ्रिक्शनल ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आप समझ रहे हो मतलब एक ऐसा फोर्स जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं है जैसे मम्मी वाला फोर्स स्कूल जाते हो शैतानी नहीं करनी है दूर से ही फोर्स लग रहा है उनका कूटेंगे जाके नहीं घर पे मस्कुलर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आपको पता है भाई हम हाथ से लिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के टच में है तो ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स ठीक है मैग्नेटिक फोर्स दूर से लग जाता है है ना कीले चिपक जाती हैं दूर से तो ये तुम्हारा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर होती हैं ये भी तुम्हारा कॉन्टेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से पेन फेंकेंगे नीचे गिरेगा दूर से लग रहा है नॉन कॉन्टेक्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक वही वाला कंगी वाला एग्जाम्पल ले लो बलून वाला एग्जाम्पल ले लो सूखे बालों में करने के बाद पेट चिपक जाते हैं जाके कैसा फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स तो कौन कौन सा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा डी वाला हो जाएगा ई वाला हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है ना तुम्हें मिलते हैं सात करोड़ रुपए सही जवाब के अगला क्वेश्चन देखो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर दाब की एसआई यूनिट किसको किसको मिले सात करोड़ मिल जाए तो हमें भी दे देना थोड़े ठीक है दाब की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जल्दी बताओ जल्दी जल्दी से आंसर बताओ दाब का ऐसा ही यूनिट बताएंगे जल्दी से दाब का वही फॉर्मूला लगा दो पी इक्वल टू एफ ऑफॉन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहा गया ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा है ना बी वाला कहां बता रहे हो भैया यहां पे अपॉन नहीं लगा मल्टीप्लाई में है ठीक है तो ध्यान से लगाओ एक ये वाला क्वेश्चन बढ़िया सा है ये फिगर भी देखो हम दिखाते है ना अभी दो तीन दिन पहले ही क्लास हुई थी एक ये देख रहे हो ना ये क्या लगा हुआ है लाइटनिंग कंडक्टर किसका लगा हुआ है कॉपर की प्लेट होती है एक तरीके से अभी बता दो इसका जवाब किसी इमारत में तड़ित चालक क्यों लगाया जाता है वाई इज अटिंग लाइटनिंग कंडक्टर इंस्टॉल्ड ऑन अ बिल्डिंग क्यों लगाते हैं इसको ठीक है इट रिपेल्स द लाइटनिंग बिफोर इट फॉल्स ऑन द बिल्डिंग या तड़ित को बिजली को इमारत पर गिरने से पहले ही विकर्षित कर देता है है ना या बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई भी इमारत नहीं हो बिजली अच्छा सुनो कल क्या लेकर के आएंगे कल तुम्हारा 20 अगस्त वाला पेपर वैसे तो हम आज ही लेकर के आ रहे थे लेकिन आज बहुत जरूरी काम था इस वजह से हम ला नहीं पाए हैं वो रास्ते में ही रह गया जाम लगा था इसलिए कल पक्का है हमने सोचा बता भी देंगे कल बीस अगस्त वाला तुम्हारा कायर कौन रो रहा है भाई रो कौन रहा है यह बिजली को उस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत ना हो बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में ही भेज देता है या बिजली की विद्युत शक्ति को एकत्र कर लेता है जल्दी से बताएंगे हाँ भैया ये साइंस के लिए सफिशियंट अच्छा सुनो एक चीज और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देनी थी जिसको हम नए पेज में बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ठीक है अभी इस हफ्ते नहीं इस संडे नहीं इसके अगले वाले में संडे में मेरी बात ध्यान से सुनो एक ऐसी मैराथन मिलेगी आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी समरी ठीक है साइंस की मिलने वाली है साइंस की मिलेगी सबसे पहले जिसमें सिक्स सेवेंथ एर्थ बाकी जो इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट होंगे वो नाइन टेंथ के पूरी की पूरी समरी मिलेगी आने वाले दिनों में जिसका थंबनेल आपको एक दो दिन में मिल जाएगा हाँ अनु यादव डेली क्लास होगी डेली क्लास होगी कल आपको 20 अगस्त का पूरा पेपर करवाया जाएगा बाकी ये अगले हफ्ते जो है पूरी मैराथन मिलने वाली जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सबके लिए देखो हम पहले ये एप्लीकेशन पे करवाने वाले थे फिर हम फ्री में करवा रहे हैं तो इसलिए सारे बच्चे ज्वाइन करोगे ठीक है सारे बच्चे ज्वाइन करोगे इसके अलावा जो हमारा श्रम वाला बैच चल रहा है उसके बारे में तो आप जानते हो ग्यारह बजे चल रहा है उसकी क्लास तो जिसको नहीं पता हो वो ग्यारह बजे ज्वाइन कर लेना ताकि ये ना कहना कि हमें क्लास नहीं मिल रही है, इसे बताओ, इसे बताओ, है? पीडीएफ मिलेगी साइंस बाइस सारे टेलीग्राम पे तड़ित चालक को इमारत में लगाने से पहले ही वो विकर्सित हो जाता है पहले ही बाहर फेंक देता है बिजली को इस क्षेत्र में बलपूर्वक गिरा देता है जहां कोई इमारत नहीं हो बिजली के इमारत से टकराने पर आवेश को या भूमि में मतलब अगर मान लो इसके ऊपर बिजली गिरेगी तो वो पूरा जमीन में जाएगी ठीक है जमीन पर चली जाएगी नेक्स्ट संडे हाँ हाँ मुस्कान कल ही कल तो पेपर लेकर के आएंगे ना कल लेकर के आएंगे तो फिर पेपर कब लेकर एक ये वाला क्वेश्चन मुफ्त का क्वेश्चन धनिया वाला क्वेश्चन पांच किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी चिकने घर्षण रहित बस इसी वर्ड को पढ़ो और आंसर बता दो आप है ना चिकने घर्षण रहित छातीज पृष्ठ पर दस मीट मीटर पर सेकेंड के वेग अच्छा सुनो कांस्टेंट वेलोसिटी ना कांस्टेंट वेलोसिटी जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो क्या हो जाता है एसेलरेशन जीरो कल एक बजे की क्लास में बताया था कल एक बजे की अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एसेलरेशन क्या हो जाता है जीरो तो एफ इक्वल टू क्या होता है यानी कि फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो न्यूटन हो जाएगा ठीक है फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा जीरो न्यूटन हो जाएगा ठीक चलो आज बड़ी मजा आ रही है ना अगला क्वेश्चन देखो यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति मैंने बताया था A4 शीट पे दो फॉर्मूले नोट करने बस वही फॉर्मूला है लोलक की आवृत्ति दो हर्ज है सोलह सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा सोलह सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा हाँ बीएड वाले भी बी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो बिल्कुल ठीक <laughs> आप जानते दो फॉर्मूले फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है टाइम कितना दिया गया है सोलह तो टू इंटू सिक्सटीन क्या हो जाएगा बत्तीस दोलन की संख्या कितनी हो जाएगी दोलन की संख्या कितनी हो जाएगी बत्तीस हो जाएगी दोलन की संख्या कितनी हो जाएगी बत्तीस हो जाएगी एक ये देखो फिर से क्वेश्चन फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सा ये बताओ ऐसा क्वेश्चन इस बार बिहार में भी आया था बताएंगे पेशी बल गुरुत्वाकर्षण बल चुंबकीय बल बी और सी दोनों जल्दी बताओ चलो जल्दी बताओ मस्कुलर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो ये तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट ये भी तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट तो बी और सी यानी ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा है ना चलो अच्छा एक और क्वेश्चन पे चलते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन पे चलते हैं चलो 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 एक ये वाला क्वेश्चन देखो छुट्टी कर दें क्या अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो कमरे में लकड़ी के जलाने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोने कोने में फैल जाती है उस प्रक्रिया को पहचाने जिसके द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है हीट ट्रांसफर के भी मेथड होते हैं ना हीट ट्रांसफर के हाँ भैया डेली क्लास होगी कौन कौन सा कंडक्शन कंडक्शन कन्वेक्शन और तुम्हारा कौन सा रेडिएशन है ना कंडक्शन किसमें होता है सॉलिड में होता है कन्वेक्शन किसमें होता है सॉलिड so, में नहीं होता है जी लिक्विड और गैस में होता है किसमें लिक्विड और गैस में होता है और रेडिएशन एक तरीके से वैक्यूम में होता है या फिर कोई चीज जल रही होती उसके हीट से होता है तो कमरे में लकड़ी जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोने कोने में फैल जाती है उस प्रक्रिया को पहचाने जिसके द्वारा छुट्टी कर दे बहुत चालू हो ऊष्मा स्थानांतरित होती है संवहन और विकिरण केवल चालन चालन और विकिरण बताएंगे शन, बिल्कुल सही एक तो कन्वेक्शन होगा और एक रेडिएशन भी होगा भाई देखो तुम्हारा होता क्या है जलेगा वो हीट ट्रांसफर होगी है ना तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों हो जाएगा जल्दी करोगे तो गलत हो ही जाएगा आराम से क्वेश्चन को पढ़ना फिर आंसर करना नहीं तो सच में गलत हो जाएगा आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं ठीक आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं साइंस के ठीक है ये सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे ठीक है ये सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे अब मेरी बात ध्यान से सुनो कल तुम्हारा कौन सा क्लास आएगा कल तुम्हारा कौन सा क्लास आएगा कल तुम्हारा 20 अगस्त का पेपर आएगा 20 अगस्त 2023 का जो कि एकदम मतलब लेटेस्ट पेपर है और एक अच्छे लेवल का पेपर है सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे और फिजिक्स की जो क्लास है क्लास कैसी लगी है क्लास कैसी लगी है एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे ठीक है सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे ठीक है तो और कल भी मिलते हैं और ये फिजिक्स के सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच अभी सवा चार बजे साइंस की पेडोलॉजी जो चल रही है सवा सवा चार बजे अभी तुम्हारा जो है पेडोगलॉजी की जो क्लास चल रही है उससे मिलते हैं ठीक है थैंक यू सो मच बाबा टेक केयर कॉमेंट करके जरूर बताइएगा जो जो भी आपकी क्लास है ठीक है